यू टेल अस अबाउट इट? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बट मैं बताने से पहले ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, डू यू नो विच इंस्ट्रूमेंट इज दिस? हाँ, ये बाबा भोलेनाथ का डमरू है. बजते हैं डमरू, बजते हैं डमरू, भस्म से होता है श्रृंगार. बजते हैं डमरू, भस्म से होता है श्रृंगार, सजते हैं मेरे भोले सरकार. कहते हैं भगवान शिव तो ही स्थितियों में शिव तांडव करते हैं. पहला, जब वे क्रोधित होते हैं तब वे बिना डमरू के तांडव नृत्य करते हैं. और दूसरा, जब वे ज्यादा क्रोधित होते हैं तो वे अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं. उस समय जो भी उनके सामने होता है वह भस्म हो जाता है. जो समय की चाल है, जो समय की चाल है अपने भक्तों की ढाल है, जो समय की चाल है अपने भक्तों की ढाल है, पल में बदलते सृष्टि को वो महाकाल है. तो इंतजार की घड़ी को खत्म करते हुए हमारे देवों के देव महादेव का सबसे पसंदीदा नृत्य शिव तांडव, शिव तांडव है. सो आई वुड लाइक टू कॉल द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 टू परफॉर्म शिव तांडव. सो पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम आवर जीवीआईएस एनर्जेटिक परफॉर्मर्स. आदिदेव शंकर, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह. मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भरा. तेरे रास्ते में मैं तो आंख मूंद के चला. नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, शंकर नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर सुनते मुझे महेश्वर. Thank you.
क्या बात है।